नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल भारतीय टीवी अग्नि खोज पर। और आज आ गए हैं हम राम गंगा पुल, मुरादाबाद के अंदर ही राम गंगा पुल के नीचे पुल पे ही खड़े हुए इस समय दोस्तों। बोले लगो कैमरा में इधर आ जाओ जरा, बहुत पीछे सड़क चल रही है। और आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है राम गंगा पुल के नीचे, जहाँ मैंने पहले गुरु का आशीर्वाद से मैंने एक छोटी तपस्या की थी, 41 दिन की मैंने तपस्या की थी इस जगह। सबसे पहली तपस्या की थी मैंने इस जगह अपने गुरु का आशीर्वाद से। अकेला रहा था मैं 41 दिन ऐसी जगह पर दोस्तों, बिल्कुल अकेला रह करके मैंने तपस्या की थी 41 दिन, अपनी पूजा की थी। और आज जो मैं आज उसी जगह को आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या करा और किस प्रकार मुझे गुरु की भक्ति मिली, प्रभु की शक्ति मिली, ठीक है दोस्तों। और ये मुरादाबाद के अंदर एंट्री शहर, यानी कि ये रास्ता दिल्ली रोड है, ये रामपुर को जाता है, ये पुल है रामगंगा का। अब हम चलेंगे लेकर के, मैं कहूँगा एक बार लाइट ज़रा ऑन कर लो और दिखाओ। पहला गेट भी अब से करीब तकरीबन 8 साल पहले ये गेट भी नहीं था, ठीक है दोस्तों। अभी गेट भी बन चुका है और हम आ चुके हैं मंदिर के ऊपर। आइए मैं आपको यहाँ का नज़ारा कराता हूँ, दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों ये सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे उतर के आते हैं और ये है पुल का नीचे बैठता। लाइट देख कर दिखा दो, और दोस्तों ये है, ये वही पेड़ है, ये अभी भी वैसा का वैसा ही ये पेड़ ही, लेकिन पहले छोटा था। अब से 8 साल पहले ये पेड़ भी छोटा था और नायर ये बनी हुई थी, बिल्कुल एकदम जैसे एक जंगल हो, मतलब एक जंगल टाइप का पुल के नीचे का हिस्सा होता है, जंगल के अंदर पुल कैसे सेम वैसे ही बना हुआ था ये अब से 8 साल पहले। और बस खाली ये मूर्ति बनी हुई थी, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये शायद जब कोई किसी ने क्रिया करी है अपनी इस जगह, तो ये देखिए ऊपर आइए, ये है काली की मूर्ति, माता काली की मूर्ति। तो दोस्तों ये वही जगह है और ये वही बाबा जी की मूर्ति है आज भी, और ये माता जी की मूर्ति है। जिस माता की शरण में रह करके मैंने इस जगह 41 दिन की अपनी तपस्या की थी, अकेला रह करके मैंने यहाँ पर, उस समय कुछ भी बना हुआ नहीं था, बिल्कुल खाली ये हिस्सा बना हुआ था, इतना था खाली। जिसे दिखाने चाहूँगा ये हनुमान जी की मूर्ति थी, देखिए ये माता काली है, छोटी बनी हुई है। और इधर मैं कहूँगा एक बार अंदर चल के एक बार घुमा के दिखा दो कैमरा, बना हुआ दोस्तों। और ये शायद कोई बंदा लेटा हुआ अंदर दिखा दे रहे, दिखा दे मेरा चेहरा देख लो जरा, वो लेटा हुआ है। और पप्पू भाई हमारे इंतजार देख रहे हैं नीचे, जो तो ऊपर से मैं आपको दिखाता लेकर आ रहा हूँ। और ये ब्रह्मदेव का पेड़ है, जो आज जो है ये ब्रह्मदेव का पेड़ का चबूतरा बन चुका है। ये खाली पहले शुरू में जो था ये कच्चा चबूतरा था, ये पहले कच्चा चबूतरा था जब खाली ब्रह्मदेव थे और कुछ नहीं था इस जगह। और ये मंदिर भी नया बन गया है, मूर्ति नई बना दी गई है। अब देख लीजिए सामने आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे जंगल है, पीछे हुई नीचे को। और ये है वो धुना, जिस धुने पर बैठ करके मैंने तपस्या की थी। तो उस समय दोस्तों एक आज भी निशान दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ तक ही निशान बना हुआ है, यहाँ तक धुना था उस समय खाली, ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। और अब देखो कितना अच्छा हो गया है,
जय ओम गुरु के शायद मेरे ख्याल से महात्मा जी कोई इसमें विश्राम वगैरह करते हैं। ये झूला बहुत बढ़िया, मतलब इस झूले की शक्ति दिखा दो, अंदर दिखा, थोड़ा कैमरा लेंस दिखा कर अंदर खोलो लेंस को ऐसे दोस्तों। और ये भी मंदिर नया बन गया है, ये किस चीज का मैं नहीं जानता हूँ। जय हो सवाल जी श्री सिंहेश्वर डॉक्टर रामनाथ अघोड़ी बाबा ओमकार नाथ जी अघोड़ी। तो ये अघोड़ी महाराज जी की मैं नमोनारायण करूँगा ही, ओम नमोनारायण। ये तो ये किसी अघोड़ी और हाँ ये है वो पेड़, ये वो पेड़ है। इस पेड़ की महिमा मैं तुम्हें अलग बाद में बताऊंगा यार, इसको बता नहीं सकता। ये देरी का पेड़ है और मैं झूले में बैठ करके जब मैंने तपस्या कर लिया था तो बस इस पेड़ की बात मैं ही जानता हूँ, मैं अभी बता नहीं सकता आपसे दोस्तों। आओ इसके आगे जो है, इसके आगे और घना जंगल है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है वो रात की चांदनी के पेड़ लगे हुए, जिनके मैं सुबह के टाइम इनके फूलों की जो है, इनके फूलों से झूले को सजाता था मैं पहले। आइए आपको और दिखाता हूँ। ये समाधि बनी हुई है, किसी बाबा जी की समाधि बनी, बहुत पुरानी। और अब लेके चलता हूँ मैं, जो किसी नए महात्मा ने, किसी ने जो नई यहाँ पे जो अपनी मणि बना ली है वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये है रामगंगा, लाइट टच करके दिखा दो। ये है रामगंगा नदी जो पूरी वहाँ से वहाँ तक आपको रोशनी, मतलब ये पुल ही पुल जो है, ये पुल ही पुल तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर की तकरीबन लंबाई इस पुल की जो पार की जाती है रामगंगा, उसी किनारे बंदे पे ये मंदिर बना हुआ है। देखिए किसी महात्मा ने तो नया धुना ही तैयार कर लिया है। आगे बढ़ के दिखा दो जरा, तो पूरी झोपड़ी बना रखी है अपनी। और भैया आराम से कैमरा चलाना, कोई चीज़ नज़र आए, अगर भाई अगर आपको कैमरे में कोई चीज़ एक्टिविटी नज़र आती है तो यार हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं कैमरा मैन से कहूँगा कैमरा आराम के साथ घुमाएं, एकदम जल्दबाजी ना करें, जो ज़रूरत की चीज़ें उसे दिखाने की कोशिश करें। और देखते हैं यहाँ पर जो मूर्ति तैयार हो रही है दोस्तों, आगे देखते हैं अभी पूरी बनी नहीं है। ये दोस्तों आप बता सकते हैं किसकी मूर्ति बन रही है, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों ये मूर्ति किस चीज की बन रही है, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों ये मूर्ति किस चीज की बन रही है, अभी अधूरी है। और नहीं तो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा ये मूर्ति किस चीज की बन रही है, कमेंट में देख करके बताना किस चीज की मूर्ति हो सकती है। आगे जंगली जंगल है, आओ एक बार वो दिखा देते हैं। इस मूर्ति के नीचे ही जो है ये बना हुआ, देख लीजिए ये कहाँ से किस प्रकार से बनाई गई है, फटाक बढ़ जरा दिखा दो कितनी मजबूती से ये धोनी। और क्या है, चिड़िया चिड़िया ये चिड़िया है अंदर होगी। और जो ये सब दोस्तों ये सब जंगली जंगल है, ये आओ चलते हैं वापस। आपको आगे पुल चलता हुआ दिख रहा है, सामने लाइटें दिखाई दे रही होंगी,
पे गाड़ी चल रही है, हाईवे चल रहा है जो लखनऊ और बीच में मुरादाबाद, उसके बाद दिल्ली जो जोड़ता हाईवे। आगे कोई चीज थी जगह, कोई सांप वगैरह था शायद, मुझे देख के यार पेड़ वेड़ तो मत तोड़ो। दोस्तों यार जिंदगी में जो है ना, आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है, जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है। मेरे गुरुजी नागा बाबा और मैं 7 साल लगभग जो मैं महात्माओं में रहा हूँ, यहाँ तक मेरी दाढ़ी थी और यहाँ तक मेरी जटाएँ थी, जो गुरु जी ने मुझे वापसी कर दिया गृहस्थी करने में, कि पहले गृहस्थी से निपट लो उसके बाद दोबारा आना। इसीलिए मैं शमशानों में मरघटों में घूम लेता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। वैसे मेरे पास है कुछ भी नहीं, ना मैं कोई इतना बड़ा शक्तिशाली या कोई बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ या कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा पिदन्ना सा सेवक हूँ प्रभु का, मतलब अपना भजन करता हूँ बस खाली, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। लोग बाग बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं। हाँ यार एक बात कहना चाहता हूँ मैं, कि बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरी वीडियो में नंबर दे रखा है, मैंने नंबर इसलिए दिया है कि आपके पास कोई हॉन्टेड लोकेशन हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसे जो है डील करूँगा, देखूँगा जा करके कुछ मिलता नहीं मिलता उस जगह जा करके। लेकिन लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, मुझे लोग जो है तांत्रिक वगैरह समझना शुरू कर रहे हैं फ़ोन पर, इसीलिए मुझे कॉल कर देते हैं। मुझे मैं हाथ जोड़ के विनती है यार, मुझे फ़ोन मत किया करो, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं छोटा सीधा साधा सा एक पतन्ना सा आदमी हूँ आप ही की तरह, ठीक है। अगर आपके घर में आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप किसी को जो है अपने प्रभु की भक्ति में लगाइए, गीता का पाठ कीजिए घर के अंदर, रामायण का पाठ कीजिए अपने घर के अंदर, अपने आप निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं किसी तांत्रिक के पास, श्री हरि का नाम लीजिए, अपने मन से पूजा कीजिए ना, सच्चे हृदय से पूजा कीजिए, सब काम बनते चले जाएंगे यार, किसी के पीछे मत भागो, ठीक है। और मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ, इसलिए हाथ जोड़ता ना, मेरे पास फोन ना करे यार कोई व्यक्ति यार इस प्रकार से, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ मैं। अब आगे चलते हैं यार, और यहाँ कुछ लोगों की शिकायत आ रही है यार, कुछ लोग कह रहे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि तुम जो है फेक वीडियो बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो यार एक बात बताऊँ मैं, वीडियो तो आप देखते ही देखते हो, लेकिन किसी से एक बार ये पूछ के देखना, किसी अपने बुजुर्ग से घर के अंदर पुराने से, कि भूती एक्टिविटी कैसी होती है, होती भी है नहीं होती है, ठीक है। और जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं नहीं कि भूत नहीं होते हैं, वो ये नहीं होता, तो यार मैं कहता हूँ मत मानो, अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब पैसा पास में होता है ना आदमी के, और ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो फिर उसके पैसे आगे जो कुछ नहीं दिखता, उसे सिर्फ पता कब चलती है, जब उसका लास्ट समय आ जाता है, वो बिस्तर पड़ा हुआ होता है और यमराज किनारे पर खड़े होते हैं, कह रहे हैं तो चल बेटा लाखन सिंह, चलो तुम्हारा समय हो गया, तब पता चलता है कि संसार में क्या चीज़ मेन थी और क्या चीज़ मेन नहीं थी, ठीक है। क्षमा चाहूँगा, कभी कभी ज़्यादा बोल जाता हूँ, गलती माफ़ करना मेरी, लेकिन मेरा आपको दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रभु है, उसी प्रकार भूत प्रेत चुड़ैल जिन शैतान सब कुछ है। क्यों? अगर सत्य है तो झूठ है, और अगर झूठ है तो सत्य है, क्योंकि बिना सत्य के झूठ का कोई मतलब नहीं है, और बिना झूठ के सत्य का भी कोई मतलब नहीं है। अब झूठ ही नहीं होगा तो सत्य की कोई औकात भी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये सब संसार प्रभु की लीला का चलाया हुआ है। आप सिर्फ वीडियो को आनंद लें, मैं आपका मनोरंजन करता हूँ, मनोरंजन के साथ साथ इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वरना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको दिल पर कोई ठेस पहुँचाना। तरह तरह की गाली बकते हैं, उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं कमेंट के अंदर। अरे पुरानी वीडियो थी, कभी लाइट तेज थी, कभी नहीं थी, आपको मनोरंजन करना। रात को 12 बजे 1 बजे घर से निकल के जा रहे हैं यार, आपके लिए, आपको कुछ दिखा सकें, आपके आपको खुश कर सकें, किसी सूरत से आप में कुछ दिक्कत है, डर है दिल के अंदर का, वो ख़त्म हो सके, आप सच्ची भक्ति का मार्ग पकड़ सकें, ये हमारा उद्देश्य है। ये नहीं है कि जो गलत प्रक्रियाओं में भागो, इधर उधर भागो। आओ, अब आप कहोगे कि लाखन जी ज़्यादा बोलते रहते हैं, यही दिखाते हो कैमरे पर। अरे तो यार है क्या संसार के अंदर, यही चीज़ है, यही देखो, दिखाओ दिखाओ, इन्हें भूत दिखाओ, तो भूत देखना चाहते हैं, भूत दिखाओ।
मुझे अपने 8-10 साल पुरानी दिन याद आ गए इस जगह यार दोस्तों, इसलिए आज मैं आपको वो जगह दिखाने लेकर के आया हूँ। आज आपकी और हमारी बातें ही होंगी यार, कोई भूत भूत की आज कोई बात नहीं होगी, आज श्री प्रभु की भक्ति की बात होगी, मालिक की परमपिता परमात्मा की बात होगी। अगर जिसको वीडियो अच्छी लगे तो देखने यार, और जिसे बुरी लगे ना, ज़्यादा भूत देखने का शौक है ना तो बहुत बना रहे हैं लोग, बहुत बना रहे हैं, आराम से देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे देखना, नहीं है तो कोई बात नहीं है यार, नाराज़ होने की जरूरत नहीं है। और चैनल डिस्क्राइब भी कर दो ना, कर दियो यार, मुझे कोई फर्क ना पड़ गया, मैं कोई सा कोई पैसा ना कमा रही हूँ मैं, कभी आप समझ रहे हो बहुत भारी रकम कमा रही हूँ मैं, देख खूब थोड़ा ही हूँ मैं तो सिर्फ अपना मनोरंजन एक अपने जीवन जी रही हूँ, हंसी खुशी खुश होकर के जीवन जी रही हूँ भाई साहब, मैं बिल्कुल फ्री हूँ एकदम, भगवान ने जो है भगवान की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, और भगवान करे कि दुनिया ऐसी खुश रहे जैसे मैं खुश हूँ। मुझे 2 रोटी मिल जाए समय से खाने के लिए, और दिन में कर्म करने के लिए बिजली की दुकान है, उल्टा सुल्टा अपने कर्म करते रहते हैं भाई बच्चों के लिए, ठीक है, करोड़पति बनने से भी कोई फ़ायदा नहीं है और भिखारी रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मालिक से इतना कहते हैं, इतना देते जिससे घर में काम चल जा, हाथ ना मांगना, हाथ ना फैलाना पड़े किसी का आगे, बस ठीक मांगना ना जाऊँ किसी का आगे, इतना देते बस मुझे, करोड़पति बनने की कोई इच्छा नहीं है अपनी, ठीक है दोस्तों। और आगे आने वाली एक वीडियो ऐसी है जहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि वो जो है गंगा जी का किनारा आया, कोई वहाँ पर पुराना शमशान है, अभी हमें फ़ोन आया था शाम के टाइम, तो उसको हम कल निकलेंगे, यहाँ थोड़ा लंबा है, यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर है यहाँ से, वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पे जो रातों को जो है कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ आत्माएं दिखाई देती हैं, कोई अचानक चीज़ सामने आ जाती है सड़क के सामने, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं उस रोड पर, और नीचे ही कुछ शमशान बना हुआ है, हम उसकी थोड़ा जान के पूरी रात का स्टे करेंगे यार दोस्तों उस जगह, हम भी देखना चाहते हैं यार, मैं तो देखे हुआ हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और पप्पू भाई कुछ कहना चाहते हो दर्शकों से, तेज बोलो थोड़ा तेज, जो कह दिया बस यही हमारी बात है, ये लगन लगी है बस, को नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ के, थैंक यू यार, सुना करते ना क्या बनाएं यार आप धोरे नेरे, हमारे कोई ऐसी कोई हॉन्टेड लोकेशन है नहीं, सब दूर दूर है। मैं आज आपको जगह दिखाने लेके आया था कि जहाँ मैंने अपनी जो है पूजा की थी, तपस्या की थी मैंने 41 दिन की, बिल्कुल नंगा रहा था मैं 41 दिन तक दोस्तों इस जगह, कपड़े बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ एक लंगोट था मेरा और एक कपड़ा मैंने बांध के रखता था, मैं यही मैं मेरी पूजा चलती थी और मैं अकेला रहता था बिल्कुल, रातों में यहाँ पर सांप बिच्छू और वो होते जो नेवले जो होते हैं, तो यार दोस्तों अभी हम असल में क्या, हम आज गए थे मुरादाबाद के जो है गुलाबबाड़ी शमशान की वीडियो दिखाने के लिए आपको, लेकिन वहाँ जो है कुछ हमें लड़के मिले तो वो कह रहे थे कि जो आप बिना परमिशन के जो है वीडियो नहीं बना सकते, या तो थाने से परमिशन लिखवा करके लेके आओ या DM से लिखवा करके लेके आओ तो हम आपको वीडियो बना देंगे, तो पहले कोई बात हो गई है उस जगह, पता नहीं क्या था, उन्होंने बारह मना कर दिया हमसे, वो कह रहे परमिशन पर भाई, अब तो हर जगह जो हो ना, हर जगह बस जहाँ फ्री की जगह मिली नहीं और वही फन बना के बैठे नहीं दोस्तों, बहुत वीडियो बनाने बहुत दिक्कत पड़ रही है हमें, अब वीडियो बनाने बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोगों बाग जो ना, आप जंगल जो है जंगल में जाओ तो वैसे आप जानवर होगी, और कहीं आस पास कोई लोकेशन ऐसी हो बनाओ तो वहाँ परमिशन चाहिए। अब यार क्या करें यार, सही अब तो हिंदुस्तान में रह के भी यार, अपने घर के अंदर रह के भी जो ना, हमें जो ना सही बता रहे हैं, बाहर वाले से भीख मांगनी जैसी हिसाब किताब हो रही है, अपने घर में रह करके दूसरे बुझे ना घर से बाहर निकले नहीं निकले, ये हो गया अब तो यार इस समय, ये मतलब सही इज्जतदार आदमी को जो है ना जीना भी दुश्वार है यार इस समय तो, और चोर उचक्के उन्हें को टेंशन, अभी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कैसे पड़ा आराम से मजे ले रहा, पता नहीं कौन है कहाँ का क्या है, हमें पूछने की कोशिश करी तो कह रहा आपने तुम वीडियो बनाओ मुझे क्या मतलब है, भाई हमें भी क्या मतलब है, अपने पढ़ा पढ़ा रहे चले फिर यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही यार, अगर कोई देखो अच्छी लगे तो यार कोई बात नहीं है, नहीं तो यार कमेंट में यार बुरे शब्द मत करना, अगली बार कोई मनोरंजन के साथ भी और बढ़िया लोकेशन लेकर के आएंगे, और चलते हैं यार दीपू भाई आओ निकलते हैं यार,
छायाड़ जहाँ मैंने यहाँ पर बैठी काली जी तपस्या की थी अब से 8 साल पहले। तो जंगल ही जंगल है, ये आपको देख लिया होगा, इसे नीचे जंगल ही जंगल है दोस्तों। और यहाँ पे सांप कीड़े का इतना डर बना रहता है, एक अकेला आदमी को रुकना बहुत भारी पड़ता है यार। और देखो मैं कहीं मांगने भी नहीं जाता था, ना मेरे पास पैसे होते थे, लेकिन बहुत से भगत लोग ऐसे आ जाते थे उस समय में तपस्या करता था। कोई केले की थली ले आता था, कोई कुछ ले आता था खाने के लिए मेरे लिए, यार बहुत बढ़िया। मुझे पता है यार भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, मेरा बार बार मन यही करता है कि मैं जो अपनी भक्ति में लीन हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूर थोड़ा गृहस्थी में हूं यार, ये कर्म भी करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करूंगा तो फिर गृहस्थी नहीं चलेगी। इसलिए गृहस्थी को पूरा करने के बाद एक न एक दिन दावा आना है आपके सामने महात्मा बन के पूछते हैं। गंगा जी बह रही है, बेकार है, कोई ना कोई बेकारी शिकारी है, कोई ना कोई पड़ा होगा, बेकार की बात है। फोन को अंधेरे में खोता तू दोस्तों यार, आज के लिए इतना ही यार, जय हिंद जय भारत, ओम नमो नारायण, ठीक है भाई, चलो।